नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। HAL आर्चर NG नामक ड्रोन को एयरोस्पेस शो में प्रदर्शित करेगी। ये ड्रोन 300 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है और टेक्नोलॉजी के मामले में ये पिछले पुराने ड्रोन से काफ़ी एडवांस है। इसकी पहली उड़ान 2023 के बीच में यानी कि जून तक होगी और 2024 तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। इस बार हो रहा एयरोस्पेस शो एशिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस शो है। इसमें भारतीय और विदेशी कंपनी मिलाकर कुल 800 से ज़्यादा कंपनी हिस्सा ले रही हैं। इसके अंदर 251 MOU साइन होने की संभावनाएं हैं, जिनकी कीमत लगभग 75,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। अलग अलग देश यहाँ पर अलग अलग तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और सभी अपने माल को भारत के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने डिफेंस को भारत के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जो हथियार वो देना चाहते हैं भारत को, एडवांस हथियार उसके भारत के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। DRDO काम कर रहा है कि हाई एनर्जी पोर्ड पर। इस तरह का हथियार अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास है। जी हाँ, ये पोर्ड एक ऐसा पोर्ड है जो हाई एनर्जी बीम को, कई सारे बीम्स को साथ में लेकर चलता है और ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग तरीके से इन बीम्स से अटैक कर सकता है। और जब हेलीकॉप्टर पर ये ख़त्म भी हो जाएंगे वेपन्स, ये उस समय भी हेलीकॉप्टर्स को निहत्ता नहीं होने देगा, ये उस वक्त पर भी वार कर सकता है। ये इस तरह का हथियार ना अभी रशिया के पास है ना चाइना के पास है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह का हथियार है। रशिया ने अपने एडवांस IL-76MD-90A जो कि हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसे भारत को ऑफर किया है, यानी कि वो भारत को देना चाहते हैं। इसे अलग रशिया अपने 200 से अलग अलग इक्विपमेंट भारत को एयरोस्पेस शो में दिखा रहे हैं, जो भारत को काफ़ी मददगार होंगे और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। साथ ही साथ इन पर रुख अभी यहां पर नहीं बताया है भारत ने कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये पूरी बात होगी 17 फरवरी के बाद में। भारत की एयरफोर्स ने ड्रोन काउंटर सिस्टम बनाया है जिसे एयरोस्पेस शो में प्रदर्शित किया जाएगा या किसी भी ड्रोन की एक्टिविटी को पता लगाने में सक्षम है। स्वान ड्रोन की डिलीवरी लगभग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन को अमेरिका ने लताड़ लगाई है। यूक्रेन पहुंचा था अमेरिका के पास ये कहने के लिए कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो रूस से तेल ना खरीदे, जिस पर अमेरिका ने बयान दिया है, बताया है कि भारत उनका बहुत अच्छा दोस्त है और भारत के साथ उनका रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी भी है। इस समय पर वो भारत को कुछ भी नहीं कह सकते और ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके लिए यानी कि यूक्रेन के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए। भारत को खुली छूट है, भारत जितना चाहे रशिया से तेल खरीद सकता है। पाकिस्तान दिवालिया होने के काउंटर पर है, बिल्कुल काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि IMF जो चाहता है वो चाहता है कि हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब आप अपने डिफेंस सेक्टर के बजट जो होता है उसमें 20-30% का कट ऑफ कर दे, जिसके लिए पाकिस्तान राजी नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान को ही देखना है कि वो क्या करेगा। F-35 पहली बार भारत आया है और अभी अमेरिका की तरफ से यह बयान भी आया है कि भारत ने अभी F-35 को लेकर खरीदने को लेकर कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया है कि उनकी डील होगी या नहीं होगी, यानी कि भारत की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है F-35 को खरीदने की डील को लेकर। आपको बता दें कि भारत अभी 114 फाइटर जेट्स खरीदने की डील को सामने करना चाहता है। उस डील के लिए अमेरिका से भी फाइटर जेट्स आ रहे हैं, राफेल का M4 वर्जन आ रहा है, रसिया अपना SU-75 देना चाहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को देना चाहते हैं। अलग अलग देश हैं, अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग फाइटर जेट्स को भारत को देना चाहती हैं। ये डिपेंड करेगा भारत के ऊपर कि भारत किसे लेना चाहता है, जो भारत के लिए सबसे अच्छा होगा वो भारत लेगा। तो इन न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है ये हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।